आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है कि जो ए है इसके निर्देशांक है 2, 3, 5, ऐसे ही बी के निर्देशांक है -1, 2, 2 और सी के निर्देशांक दिए हुए हैं λ, 5, μ। एक त्रिभुज एबीसी के क्या है, ये शीर्ष है। यदि ए से जाने वाली माध्यिका अक्षों से समान कोण बनाती है तो हमको लेमडा और म्यू का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का त्रिभुज होगा। ये वाला बिंदु हो गया ए बिंदु, ये बिंदु हो गया सी बिंदु, हो गया ये बिंदु, हो गया सी बिंदु हो गया। यहाँ क्या किया हुआ है, ए से जाने वाली एक माध्यिका, तो ए से जाने वाली एक माध्यिका बना लेते हैं हम। ये से जाने वाली एक माध्यिका हो गई। पहले ए बिंदु के निर्देशांक लिख देते हैं, वो दिए हुए हैं हमें 2, 3, 5 के बराबर। बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं हमें -1, 2, 2 के बराबर। सी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं λ, 5, μ के बराबर। अब देखिएगा, ये इसकी माध्यिका है, मतलब ये इसको 1:1 में काटेगा। तो हम इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, डी बिंदु मान लेते हैं। तो इस डी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, इसके मध्य बिंदु से आ जाएंगे। 1:1 में काटने का मतलब है ये बी और सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो डी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे लेमडा -1/2, 5+2/2 और μ+2/2। ये किसके निर्देशांक आ गए, ये डी के निर्देशांक आ गए। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा -1/2, 5×7/2 और ये आ गया μ+2/2 के बराबर। तो हमारे यहाँ पर डी के निर्देशांक आ गए। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करते हैं, हम दिशा कोज्या को लगा लेते हैं। दिशा कोज्या हम एडी जो लाइन है, एडी लाइन पर या एडी रेखा पर, एडी लाइन पर अगर दिशा कोज्या हम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा हमारे पास कोस थीटा। जो इनके बीच में जो कोण है वो हम मान लेते हैं कोस थीटा के बराबर। तो तीनों के लिए अलग लगाएंगे तो कोस थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास। दिशा कोज्या लगाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई के निर्देशांक लिख लेते हैं जिससे हमको लगाने में आसानी। तो ई के निर्देशांक है 2, 3, 5, ठीक है। तो दिशा निर्देशांक कहता है कि कोस थीटा बराबर होता है, तो यहाँ से हमको मिलेगा λ-1/2 -2 में आ जाएगा मापांक ऑफ एडी के बराबर। ऐसे ही दूसरा वाला कोस थीटा हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 7/2 -3/2 हो जाएगा मापांक ऑफ एडी के बराबर। ऐसे ही तीसरा वाला कोस थीटा लगाएंगे, मतलब जेड डायरेक्शन में कोस थीटा लगाएंगे तो वो हो जाएगा μ+2/2 -5/2 मापांक ऑफ एडी के बराबर। तो देखिए, अगर हम इसको हम सीधा सीधा हल कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/2 मापांक ऑफ एडी के बराबर। तो हम पहले इन दोनों को बराबर कर देते हैं। मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ और इसको 3 देता हूँ। तो पहले क्या करते हैं, हम 1/2 कर देते हैं। जब 1/2 करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा λ-1/2 -2 ए डी का मापांक बराबर 1/2 मापांक में ए डी मिल रहा है हमको। यहाँ में एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये 1 λ-1 और ये 4 है, तो मतलब λ-5/2 मापांक में ए डी बराबर हो जाएगा 1/2 मापांक में ए डी के। तो ये इसको पूरा का पूरा काट देगा, तो यहाँ से हमको मिलता है लेमडा का मान 6 के बराबर, ठीक है। अब हम करते हैं 2 को 3 के बराबर कर देते। अब हम 2 को 3 के बराबर करेंगे तो यहाँ 2 में है 1/2 मापांक में एडी के बराबर, ये बराबर हो जाएगा μ+2/2 -5/2 मापांक ऑफ एडी। इनको बराबर करने से हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 -10। μ+2 -10 का मान हो गया μ-8/2 मापांक ऑफ एडी के बराबर। ये 2 एडी से कट जाएगा तो यहाँ से म्यू का मान आ जाएगा 9 के बराबर। तो लेमडा का मान 6 आ गया, म्यू का मान 9 आ गया। तो हमारा विकल्प देख लेते हैं, लेमडा का मान 6 और म्यू का मान 9, यह सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।